महिंद्रा और फोर्ड ने घोषणा की है कि भारत में दोनों कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम को जारी नहीं रखा जाएगा। कंपनी ने अलग अलग बयानों में कहा है कि निर्णय पिछले 15 महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव से प्रेरित था, जिसके कारण दोनों ने ही अपनी पूंजी आवंटन प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया। दोनों कंपनियों का यह कदम चौंकाने वाला है, क्योंकि इनकी साझेदारी में कई सारे प्रोजेक्ट पर काफी आगे तक काम किया जा चुका है, तो कुछ पर काम जारी है। इसका मतलब है कि दोनों कंपनियां भविष्य में भी साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कोई भी अनुबंध उन्हें बाध्य नहीं करता है। असली प्लान के मुताबिक फोर्ड इकोस्पोर्ट 1.2 लीटर एम्स्टर्डम टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो महिंद्रा से लिया गया है। फोर्ड एस्पायर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर कामकाज रोक दिया गया है। नई जनरेशन एक्सयूवी 500 पर आधारित फोर्ड की कॉम्पैक्ट एसयूवी पर भी काम बंद कर दिया गया है। हालिया लॉन्च निसान मैग्नाइट ने आसियान एनकैप क्रैश टेस्ट में सुरक्षा के लिए 4 सितारा रेटिंग हासिल की है। ये रेटिंग नई मैग्नाइट के लिए बहुत अच्छी खबर है, जिसने पहले से ही देश में 15,000 से ज्यादा बुकिंग हासिल की है। फिलहाल इस क्रैश टेस्ट की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है और वयस्कों के साथ बच्चों की सुरक्षा के आंकड़ों की जानकारी मिलना अभी बाकी है। कार का उत्पादन निसान के तमिलनाडु स्थित उरागदाम प्लांट में किया जाता है, और जिस एसयूवी का क्रैश टेस्ट हुआ है वो शायद भारत में ही बना मॉडल है। निसान इंडिया ने दिसंबर 2020 में ही नई एसयूवी को लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती कीमत 4,99,000 रुपए रखी गई है, जो काफी आकर्षक है। इस कीमत पर यह सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की सबसे सस्ती कार है। भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने दिसंबर 2020 में बिक्री में 20.2% की 2 अंकों की वृद्धि दर्ज की है। पिछले साल इसी महीने में बेची गई 1,33,296 कारों की तुलना में इस बार 1,60,226 वाहन बिके हैं, जिसमें घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों शामिल हैं। कंपनी ने घरेलू बाजार में 19.5% की वृद्धि देखी है। पिछले साल इसी महीने बेचे गए 1,25,733 वाहनों की तुलना में इस बार 1,50,288 वाहन बिके हैं। कंपनी के यात्री वाहन सेगमेंट में एक साल पहले बेचे गए 1,12,784 कारों के मुकाबले इस बार 1,40,754 कारें बिकी हैं, यानि 14.6% की बढ़त। यात्री कारों के सेगमेंट में बढ़त की एक बड़ी वजह स्विफ्ट डिजायर, बलिनो, वैगनार और इग्निस जैसी कारों की बिक्री है। यहां 18.2% की तेजी के साथ कंपनी ने इस बार 77,641 कारें बेची। यूवी सेगमेंट की बात करें तो विटारा, ब्रेजा, अर्टिगा, एस क्रॉस और XL6 जैसे मॉडलों की बिक्री में इस बार 8% की बढ़त देखी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।